goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. It's a beautiful day, it's a beautiful morning. Hello guys, welcome to my new blog. मैं हूँ आपका host and host Danish. So भाई लोग, thumbnail से तो आप समझ गए होंगे, actually में हम लोग जाने वाले हैं कहाँ. तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो हमारे चीफ मिनिस्टर सर ने लिया है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का. एनवायरनमेंट इससे बहुत ज़्यादा क्लीन हो सकती है क्योंकि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो गया एनवायरनमेंट में वो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो. तो ये इलेक्ट्रिक बसेस बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेगी उस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए. तो बने रहो इस ब्लॉग में और मिलते हैं पटना की सड़कों पर. तो हेलो पटना, क्या बोलती है पब्लिक भाई, क्या बोलने का. बहुत जाम, बहुत जाम, बहुत जाम, बहुत कड़क वाली जाम लग रही है आजकल पटना में. बचते बचाते गलियों से होते हैं हम लोग, बस अभी पहुंचे हैं यहाँ पटना कॉलेज के पास. तो जा रहे हैं हम लोग गांधी मैदान. भाई हमारे चीफ मिनिस्टर सर का क्या बोलना, मतलब जबरदस्त काम किया उन्होंने इलेक्ट्रिक बस का. एटलीस्ट स्टार्ट तो हो गया, और सब सिटीज़ में मैं देखता था बसेस चल रही है, अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं. ये छोटी छोटी चीज़ हमारे इंडिया को, हमें वर्ल्ड को ज़रा एक प्यूरीफाई करेगा पॉल्यूशन बेस्ड. और अपना पटना मार्केट हमेशा यहाँ तो चहल पहल रहती है, हमेशा भीड़ भाड़, अच्छा लगता है यार. बचपन में बहुत बार मैं आता था पटना मार्केट मम्मी लोग के साथ, अब तो जाने का मौका ही नहीं मिलता है. और ये अब मार्केट है, मेंस वेयर यहाँ से बहुत ठीक ठाक कलेक्शन रहता है, आप ले सकते हो, चिपन बेस में मिल जाता है. और सब्जी बाग पहुँचने वाले हैं हम लोग. अच्छी धूप निकली है आज, ना गर्मी है ना ठंडा है, नॉर्मल मौसम हो रहा है अभी तो. मज़ा आता है यार ऐसे मौसम में राइड करने में. गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं और ऑलमोस्ट हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे हैं, क्योंकि हम लोग को जाना है गांधी मैदान बस स्टैंड जहां पे ये सेवा स्टार्ट हुई है. और हम लोग कारगिल से पहुंच गए यार, यहां से जब भी गुजरता हूं ना मैं, बहुत खूबसूरत लगता है ये. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. हम लोग अभी आ चुके हैं गांधी मैदान बस स्टैंड पे. तो भाई जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं बिहार के सड़कों पे दौड़ना चलना स्टार्ट हो चुका है. ट्यूजडे से इसको स्टार्ट किया गया है और नीतीश कुमार जी का ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से रिलीज करेगा. तो जैसे आपने अभी देखा बैक साइड में जो बसेस जो गई थी वो इलेक्ट्रिक बस थी, फुल अलग डिफरेंट कलर का इसको रखा गया है. तो हम लोग बस इस चीज को अभी कवर करने के लिए आए हैं. इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए 1200 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन फुलवारी शरीफ में बनाया गया है. ये इलेक्ट्रिक बसों को 3 घंटे लगते हैं पूरे चार्ज होने में और 250 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक बस चल सकती है फुल चार्ज होने के बाद. बस की जो रफ्तार अभी रखी गई है उसको 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से अभी इसको रखा गया, बाद में मार्च के एंड तक में इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इसको फिर बढ़ा दिया जाएगा. अभी जो बसेस चल रही है वो पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से पटना चल रही है. हाजीपुर अभी स्टॉपेज इसको नहीं दिया गया है, बट इन फ्यूचर मतलब मार्च के एंड तक में इसका हाजीपुर भी स्टॉपेज हो जाएगा. ऑलमोस्ट अभी 12 इलेक्ट्रिक जो बसेज है वो स्टार्ट की गई है और टोटल अभी 82 इलेक्ट्रिक बसेज और आना अभी बाकी है. तो उसमें डिलक्स भी होगा, सुपर डिलक्स भी होगा. और अभी जो पटना में है, अभी मैं पटना गांधी मैदान में हूँ जहाँ बस स्टैंड यहाँ से सब बसेज निकल रही है. तो अभी पटना में एयरपोर्ट, दानापुर और भी छोटे मोटे लोकेशन जा रहा है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी ये इसका स्टॉपेज रखा गया है. तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं बस की फुल, आपको मैं चीजें बताऊंगा बस में क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको यूज हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा. स्टार्टिंग में 12 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के बाद मार्च के एंड तक में 25 इलेक्ट्रिक बसों को और चलाया जाएगा. फुलवारी शरीफ में इन बसों को चार्ज करने के लिए 1200 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है. 120 किलोवाट के 6 चार्जिंग पॉइंट और 240 किलोवाट का 2 चार्जिंग पॉइंट है. तो फुल सेटअप ऑफ फ्यूचर इसको से स्टार्ट किया गया है. आप सामने जो देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक बस है, क्या खूबसूरत तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है. विदाउट फ्यूल विदाउट डीजल ये चलेगा और फुल एयर कंडीशन है भाई, सीसीटीवी अंदर है, बहुत सारे आपको 2 या 3 स्लाइड्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे. और ये आप देख सकते हैं सामने साइड देख रहे हो यहाँ पे 2 एग्जिट पॉइंट और प्रवेश द्वार रखा गया है, एक आप फ्रंट में बैक साइड में देख रहे हो और एक आप फ्रंट में देख सकते हो यहाँ पे.
मीटर की लेंथ वाली जो बसेज हैं उसमें 37 सीट है, और जबकि 12 मीटर लेंथ वाली जो बसेज है उसकी 45 सीट है। सर हमारे साथ आशुतोष सर है, तो सर कैसा लग रहा है कि पटना में ऐसी चीज है जैप हुई है जो बसेज को आराम से जोड़ेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा बिल्कुल ही, पर्यावरण के अनुकूल वो बनाई गई है जिसमें कोई फ्यूल लगती नहीं है। वो हर जगह पटना में चार्जिंग स्टेशन बैठाया गया, तो फुलवारी शरीफपुर की चार्जिंग स्टेशन है वहाँ चार्ज होती है, और लगभग ऐसा बताया गया है कि उसके एक चार्जिंग होने के बाद वो 220 से 225 किलोमीटर के लगभग 250 किलोमीटर घंटे में चार्ज हो जाता है। तो सर अभी आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से अभी दानापुर में जाऊँगा। बैक साइड में इलेक्ट्रिक बस आ चुकी है, कारगिल चौक के जस्ट यहीं पे इसका स्टॉपेज है जहाँ से ये बस खुलती है। तो अभी चलते हैं बस के अंदर और देखते हैं क्या क्या नई नई फीचर्स इसमें यूज किया गया है, और सब डिफरेंट, और सब बसेस से ये कैसे डिफरेंट है वो भी देखते हैं। तो चलते हैं अंदर। जैसे अब अभी हम लोग जस्ट बस में हैं, इस ये बस आपको कल से स्टार्ट हुआ है। आप सामने साइड देख सकते हैं ये LED स्क्रीन है, और ये यहाँ पे जो आप बीप देख रहे हो ये जब तक गेट ओपन रहेगा तब तक ये बीपिंग इसका स्टार्ट रहता है, और ये बीप कब बंद होगा जब गेट फुल्ली लॉक्ड हो जाएगा। फुल्ली जो ऑपरेट होता है यहाँ से आप सिस्टम देख सकते हो, RND, R मतलब रिवर्स है, N मतलब न्यूट्रल है, और D मतलब ड्राइव। तो यहाँ से फुल्ली ऑपरेट होता है। तो कंडक्टर साहब हमारे साथ हैं सर, इसका टाइमिंग क्या है और ये कहाँ तक जाएगी? टाइमिंग क्या है इसकी सर? 9:30 9:30 सुबह से रेगुलर चल रही है। और भाड़ा क्या है इसका? 45 रुपया। अच्छा, और यहाँ पे कितना देर का स्टॉपेज होता है? 5 मिनट 10 रुपये। ठीक है सर, थैंक यू। हमने साइड देख सकते हो CCTV भी यहाँ पे यूज हुआ है। सबसे पीछे अभी बैठा हूँ, और पीछे से आप लुक देख सकते हैं, फुल सिक्योर वाइज इसको बनाया गया है, और ग्लासेस भी वो बहुत बड़ी बड़ी इमरजेंसी एग्जिट है ये पूरा। आप यहाँ से ब्रेक करके बाहर भी जा सकते हो अगर कुछ हादसा होता है तो। और दो गेट यहाँ पे यूज हुआ है, एक आगे साइड है वो, और ये वाला आपको पीछे साइड है। और ये जो आप बीप देख रहे हो जब तक गेट डोर बंद नहीं होगा तब तक ये बीप स्टार्ट रहता है। सो ये जो बस है इलेक्ट्रिक बस, ये आपको पटना गांधी मैदान कारगिल चौक से स्टार्ट होगी, और ये दानापुर जाएगी, आपको आशियाना होते हुए दानापुर जाएगी। दानापुर का इसका 45 रुपये चार्जेस है, आशियाना का 30 रुपये है, और ये एक स्टेज का बस है। दूसरा आपको बस जो पटना से गांधी मैदान से जो खुल रहा है वो एयरपोर्ट के लिए खुल रहा है, उसका 100 रुपये चार्जेस है, और इससे आप पटना से मुजफ्फरपुर भी जा सकते हो जो 150 रुपये उसका चार्जेस रखा गया है। मुजफ्फरपुर से पटना आने के लिए डायरेक्ट वो बस चल रही है, आप अभी हाजीपुर वो नहीं रुकने वाली है, मगर मार्च इन तक में वो भी एक फैसला हो जाएगा कि हाजीपुर में भी इसकी स्टॉपेज होगी। और इसमें सर हम लोग कितना टाइम लगता है इसको चार्ज होने में? इस बस को 2 घंटा लगता है, और वो 250 किलोमीटर आराम से चल सकता है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। आपका क्या नाम है? ठाकुर सर, तो कैसा लग रहा है वो? अभी हल्की सी इशू ये है कि टाइमिंग इशू है, ऐसे कंफर्टेबल है, आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। 12 इलेक्ट्रिक बसेस ऐसे स्टार्ट हुई है, और 25 और मंथ के एंड तक में 25 बसेस और आ जाएगी। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, बैक कैमरा, बस के पीछे का क्या व्यू है, ये कोई पैसेंजर आ रहा है या कोई डिस्टरबेंस है कि नहीं, पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से। ड्राइवर साहब पूरा यहाँ से देख सकते हैं कि नहीं सर? पूरा यहाँ से देख रहे हैं, और यहाँ से फुल ये कंट्रोल भी कर सकते हैं इस चीज को। दूसरी चीज यहाँ पे आपको वाईफाई भी लगा हुआ है, वाईफाई फुल सिक्योर है, AC यहाँ पे आपको देख रहे हो, ये ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आ रही है। तो हर 20 मिनट में बसेस को गांधी मैदान कारगिल चौक से निकाला जाएगा, दानापुर, आशियाना, पटना जंक्शन, सब जगह ये जाएगी, और चार्जेस भी मैंने आपको बता दिया। तो बस आप देख सकते हो सबसे पीछे साइड अभी मैं हूँ, तो सिक्योर है, आराम से आप इससे ट्रैवल कर सकते हो, फुल्ली AC है। कैसा अच्छा लग रहा है ना? तो अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह सब्सक्राइब कर लो, हिलता बेल आइकन, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां मैं रेगुलर अपडेटेड रहता हूं। तो मैं अब साइन आउट करता हूं, मैं आपका देसी वगैरह, बाय बाय।